नहीं, अपन यहाँ पे फोटो शो को अपन करते हैं। नहीं आप सबसे पता है फोटोशॉप की हेल्प से आप पिक्चर का साइज बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा छोटा का नहीं, आप जब यहाँ से फाइल मेनू में भी जाते हैं आप ओपन पे क्लिक करते हैं, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी पिक्चर का साइज आपको छोटा या बड़ा करना है, जैसे अपन ने ये वाली पिक्चर ले ली, ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, आपका साइज बता रहे कितना है, 9 के भी, आपने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, पिक्चर आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पिक्चर का साइज बढ़ाना है, तब आप क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं, यहाँ से आप सेव एज़ पे क्लिक करते हैं, तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अपन क्या करते हैं, फाइल नाम भी बोल रहे देते हैं और फॉर्मेट भी, इसको अपन यहाँ से सेव कर लूँ। वो आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, क्या आप उसी जगह पे से रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। अपन चाहते हैं जो अपने 9 KB की पिक्चर थी उसी जगह पे रिप्लेस होकर उसका साइज बड़ा हो जाए, दूसरी पिक्चर आपको नहीं करना, आप क्या कर देंगे इसको यहाँ पे ओके, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं आपको इसकी क्वालिटी क्या रखना है, स्मॉल फाइल में रखना है या लार्ज, क्वालिटी आपने जैसे इसकी यहाँ से कर दी पूरी मैक्सिमम, आपको बता रहे हैं यहाँ स्मॉल फाइल और लार्ज फाइल, जैसे आपने इसको कर दिया पूरा यहाँ से लार्ज फाइल, देखिए यहाँ पर क्वालिटी में भी बढ़ गई 12 हो गया। अगर आपने इसको यहाँ से कम कर दिया, देखिए क्वालिटी में कम हो गई, अपन ने इसको कर दिया यहाँ से पूरा लार्ज फाइल। अब आप देख रहे हैं यहाँ से आप जैसे ये वाला ऑप्शन आ रहा साइज वाला, अब यहाँ पे अभी क्या सिलेक्ट है 56 KB सिलेक्ट है, अब देन आपने इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब आप इसको मिनिमाइज करेंगे, अब आप देखिए जब आप जिस पीसी में जाएंगे, जिस पीसी में थी अपने पिक्चर एफ ड्राइव वॉलपेपर नाम के फोल्डर में थी, आपने इसको ओपन किया, ये है आपकी पिक्चर। अब देखिए इसका साइज कितना बता रहा है 49.3, आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तब भी आपको यहाँ पे साइज देखने को मिल जाएगा, बता रहे 49। अब जैसे आपने इसको क्लोज कर दिया, इस पिक्चर का साइज तो आपने क्या किया था बढ़ाया था, हाँ सिर्फ सेव करने पे ऑप्शन दे देता है वहाँ से क्वालिटी और साइज, अपन वहाँ से कर देते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता। अब जैसे आपका साइज कम करना है तो आपने फाइल मेन्यू के अंदर आपने यहाँ से ओपन पे क्लिक किया, अब जैसे अपन ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, आपने इसको सेलेक्ट किया कितना है 38 KB ओपन किया, अब आप यहाँ से फाइल मेन्यू पे जाएंगे, सेव एज़ पे आपने क्लिक किया, आपने इसको यहाँ से सेव किया, इसमें भी सेम ऑप्शन दे रहा है डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस, आपने इसको ओके कर दिया। अब आप देखना है यहाँ पे साइज कितना है 56, जैसे हमने इसको यहाँ से कर दिया 14, ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पे ओके कर दिया, अब अपन इसको मिनिमाइज करते हैं। अब आप देखिए अपनी पिक्चर कौन सी थी, ये वाली थी, इसका साइज पहले कितना था, इतना बड़ा कर दिया, फिर से क्लोज करते हैं, फाइल पे चलते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, ये पिक्चर थी, इसको अपन ने यहाँ से ये थी कि दूसरी थी, यही थे अपन ने इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर दो, यहाँ से आप फाइल पे गए, आपने सेव एज़ पे क्लिक किया, अब आपने इसको यहाँ से सेव कर दिया, देन ओके कर दिया। अब आप देखें इसकी क्वालिटी, जैसे अपन थोड़ी सी पहले यहाँ से कम कर दी, अपन ने इसको कर दिया यहाँ से 9 हाई रहने की, अब आपने इसको यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लिया 14.4 KB, देन आपने इसको यहाँ से ओके कर दिया, अपन मिनिमाइज करते हैं, अब अपन इसका साइज देखते हो गया कम कर दिया उसने 24, मतलब वहीं से आप उसकी क्वालिटी और साइज कम करके पिक्चर का साइज छोटा कर सकते हो, और आपको बड़ा करना है तो वहीं से पिक्चर का साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब फोटोशॉप से आप पिक्चर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। और देखिए इसकी जो पिक्सल साइज आएंगे उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने किससे किया है फोटोशॉप की हेल्प से, लेकिन आप सबको पता है अपन पिक्चर मैनेजर की हेल्प से भी करते हैं साइज छोटा, बाकी डॉक्यूमेंट का करते हैं, लेकिन इस फोटो से क्या नहीं करते, क्योंकि क्या होता है उसके पिक्सल फट जाते हैं, इससे अपन किसी कर लेते हैं फोटोशॉप से, उससे ही साइज बड़ा हो जाता है, उससे ही साइज छोटा हो जाता है, कर लेंगे। अब हमने आपको इसमें ये फाइल मेन्यू बता दिया था पूरा और एडिट मेन्यू, कौन सा बताना, ये वाला, ये आप कर रहा था, अगर आपको वेब पेज बनाना, जैसे कि अपन ने यहाँ से कोई भी पिक्चर ओपन किया, अपन जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं लोगो, आपने सेलेक्ट किया ओपन किया, अब आप देखिए ऑप्शन दे रहा है सेव फॉर वेब, आपने इस पर क्लिक किया, इस टाइप से यहाँ पे ही ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा वो चेंजेस नहीं करता, थोड़ा बहुत ही करेगा, फिर आप जैसे ही इसको यहाँ से सेव करेंगे इस टाइप से ओपन होगा। अब आपसे पूछ रहा है आपको कहाँ सेव करना है, जैसे अपन करना है दिस पीसी में,
जी ड्राइव आपने ओपन किया, अपन इसको लोगों के नाम से रहने देते हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ सेव अस ड्राइव, जैसे आपने इसमें ले लिया HTML एंड इमेज, इस पर क्लिक किया, देन आपने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब आप इसे मिनिमाइज करेंगे, अब आप यहाँ पे दिस पीसी ओपन कर दो। अब आप यहाँ से जाओगे जी ड्राइव में, जी ड्राइव में अपन ने यहाँ पे लोगों के नाम से किया था, सोलह फरवरी, इसको अपन यहाँ से ओपन कर देखिए आज ही है ना 16 फरवरी, हाँ ये इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। अभी अपन ने बनाया कि इस टाइप से आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ऊपर नाम लिखा रहा है लोगो, और ये अब आपका किस में ओपन हो रहा है, क्रोम में हो रहा है। अपन फिर से फोटोशॉप में चलते हैं, आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, आपने सेव फॉर वेब पे क्लिक किया, अब अपन सेव कर रहे हैं। अब आपने क्या सिलेक्ट किया इसमें, इमेज ऑनली, और देन आपने इसको यहाँ से सेव कर दिया। फिर अपन इसको यहाँ से पहले अपन फॉर्म उसे लोकेशन दे दें, अपन को मिलेगा ना। अब आप इसे मिनिमाइज करेंगे, अब आप जो बेस ड्राइव में जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे लोगो यही है। अब आप इसे ओके करिए, देखिए इस टाइप से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, अलग टाइप से आ रहा है, इमेज ओनली में आ रहा है। वो क्या था, HTML प्लस इमेज था, HTML एंड इमेज फॉर्मेट, और ये कौन सा आया से, इमेज ओनली, तो इस टाइप से आ जाएगा थर्ड वाला, फिर आपका अलग आएगा। अब आपने इस पर क्लिक किया, अब अपन इसको सेव कर दें। अब आपने यहाँ पे ले लिया लास्ट से HTML, इसको अपन बोलिए बोलिए हाँ वो लोकेशन ही सेव कर रहा है, दिस की थी वो फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब अपन इसको यहाँ से सेव करते हैं एच ड्राइव में, अपन इसको यहाँ से ICIC लोगो दे दिया। ठीक है, अपन इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब आप जब इसको यहाँ पे सर्च करेंगे एच ड्राइव में किया ICIC लोगो के नाम से, देखिए ये है। अब आपने इसको ओपन किया, HTML सेलेक्ट किया था याद नहीं, चलिए फिर करते हैं फाइल पे चलते हैं, सेव फॉर वेब पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं। पहले हम इसका फॉर्मेट ले लेते हैं HTML ओनली, अब दिस पीसी में इसको सेव करते हैं एफ ड्राइव, इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं ICIC लोगो, स्पेस नहीं देते इसके बीच में, और सेव कर देते हैं। अब आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे एफ ड्राइव, ये शायद वहीं से एरर बता रहा हूँ विंडो पे, ये इस टाइप से जैसे हमने आपको उस दिन ओपन कर दिया था उस दिन कोडिंग बता रहा था, ये वहाँ से कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है। आज देखिए आज तीनों में सही ओपन हो, एक में नहीं हो रहा, दो में सही इमेज ओपन हो रहा, और उस दिन आपको क्या बता रहा था कोडिंग, वो वहीं से प्रॉब्लम दे रहा था। हाँ बता देता वो आपने, जैसे उस दिन बता रहा था वैसे ही आपने यहाँ पर बता देता इस टाइप से आपको यहाँ पे सो जाते हैं, मतलब वेब में आपको ऑनलाइन जैसे अपन HTML वगैरह हम करते हैं ना, जैसे अभी आपने इसे मिनिमाइज किया, आप यहाँ पे क्रोम पे कुछ भी सर्च वगैरह करते हैं, जैसे अपन फायरफॉक्स से ले लेते हैं, अपन यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ICIC कंप्यूटर सेंटर, अपन ने इसे यहाँ पे सर्च किया, तो आप देखते हैं ऊपर जो आता है, जैसे कि अपन पहले गूगल पे चलते हैं फायरफॉक्स से, अब आपने यहाँ पे सर्च किया ICIC कंप्यूटर सेंटर, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे आप अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ICIC कंप्यूटर सेंटर ऊपर लिखा हो, ऐसे ही आपने HTML फॉर्मेट में रहता है, जो भी आप HTML एक टाइप से आपकी लैंग्वेज रहती है, ऐसे ही आपको यहाँ बताया था सेफ फॉर वेब, आप जो भी वेब में ओपन करना चाहते हैं आप वहाँ से सिलेक्ट
कर सकते थे।